कटरीना कैफ ने जो कहा था वो आपको बता देता हूँ जी सर। उन्होंने कहा कि जो कुछ इंडस्ट्री में हूँ सलमान के बदौलत हूँ। सर वो झूठ नहीं बोलती। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गई, बड़ी स्टार बन गई, तो थैंक यू कह दिया। जी हाँ, शुक्रगुजार हैं, आज भी थैंक यू कहती हैं। हमेशा से, और आगे भी थैंक यू ही कहेंगी। नहीं तो आपको थैंक यू और बीच पर तस्वीरें किसी के साथ? सर वो वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा सर, वो इनका जाती मामला है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि वो तस्वीरें है ना, वो कुछ पब्लिसिटी स्टंट था और वो मॉफ्ट तस्वीरें हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो रणबीर तो होंगे ही, बट मुझे वो कटरीना नहीं लगती। फेस होगा किसी और की, बॉडी होगी, मॉफ्ट तस्वीर होगी। बट सोचिए सर, कोई छुट्टी पे गया पर्सनल हॉलीडे पर और किसी ने वो तस्वीर खींच के डाल दिया, हाउ डिस्गस्टिंग। ये हमारी माँ बहनों के साथ भी हो सकता है, यू नो, हाउ वुड यू गाइज रिएक्ट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू योर वाइफ्स और टू योर सिस्टर्स? इट्स अ डिस्गस्टिंग थिंग। सर ये ज्यादा आप मुझे बता पाएंगे, क्योंकि सर आप टीवी इंडस्ट्री के, ये जिसको इसको पेपराजी कहते हैं ना, पेपराजी। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, तो जो कुछ आप करते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है जी। अब आपकी भी मैंने सुना है कि जगह जगह लोग तस्वीरें खींचते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? जी, तो जी 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 जी, कभी कभी सर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, नींद झपकियां ले रहा हूँ, तो सडनली आई फील कि कोई देख रहा, मैं देखता हूँ और तस्वीर खींचा के नाक उंगली चली गई है। तो आई मीन ले लो, पूछ लो। ये तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये जिसने फोन के अंदर कैमरा बनाया, मैं तो उसे जान से मार ही दूं, तो चांस ही नहीं है। पब्लिक लाइफ में ये तो झेलना पड़ता है जी हाँ। लेकिन इतना सर, अगर आदमी सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको ग्रीड भी करे कि अब बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े अदर, ठीक है, थैंक यू, चुप, वो आ ही जाता है। तो नो मैटर हाउ गुड दैट पर्सन इज टू यू एंड वी कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर,